बहुत सारे, मतलब इतने इतने बाल निकल जाते हैं। ये देखिए जिस तरीके से अभी मेरे बाल झड़े हैं, ये वेलकम बैक टू माई अनदर व्लॉग। होप यू आर डूइंग ग्रेट। एंड के साथ एक होम रेमेडी शेयर करने वाली हूँ जो कि है फ्लैक्स सीड। सो आपने यूट्यूब पर बहुत वीडियोस देखी होगी इसके बारे में, और आप देख सकते हैं मेरे बाल खुले हुए हैं, तो आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि फ्लैक्स सीड की मैं बात कर रही हूँ तो क्या होने वाला है। सो मेरे पास फ्लैक्स सीड काफ़ी टाइम से रखा हुआ था, इनफैक्ट जब से मेरी शादी हुई है तो तब से ही मेरे बाल झड़ना बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो गए थे। तो मुझे किसी ने बताया था कि इसका यूज़ करने से बाल झड़ना कम हो जाते हैं, तो मैंने इसका यूज़ किया था। आप इसको किसी भी तरीके से ले सकते हैं, आप इसको खाने में भी एक चम्मच डाल सकते हैं, आप इसको भून के भी आप खा सकते हैं, या किसी भी चीज़ में आप, और आप इसको आप भून के खाते हैं तो वो भी टेस्टी लगता है। तो मैंने काफ़ी पहले, मतलब 3 या 4 साल पहले मैंने इसको ट्राई किया था, तो 1 या 2 मिनट ही कर पाई थी मैं, क्योंकि काफ़ी गर्म होता है। और ये इसको डायरेक्टली लेने से क्या होता है, आपके पेट में थोड़ी गर्मी सी हो जाती है, तो मुझे वो सूट नहीं किया था तो मैंने वो छोड़ दिया था। एंड अब मैंने यूट्यूब पे काफ़ी वीडियोस देखी और मैं यूट्यूब बनाना स्टार्ट किया, तो मुझे लगता है मुझे भी आपके साथ ये शेयर करना चाहिए। तो मैं 7 डेज़ का चैलेंज ले रही हूँ, जिसमें मैं आपको ये मास्क जो है जेल फॉर्म में जो बन जाता है इसको उबालने के बाद, वो बताऊँगी कि किस तरीके से होता है। अभी आप देख सकते हैं मेरे बाल सिर्फ इतने ही बचे हैं, मेरे बाल थोड़े कर लिए इसलिए आपको लग रहा होगा कि ज़्यादा है, बट ऐसा नहीं है, बस यही है मेरे बाल मौजूद हैं, यहाँ पे आते हैं मेरे बाल। तो अभी आप देख सकते हैं कि इतने हैं और थोड़े कर्ली बाल हैं। तो मैं 7 डेज़ का चैलेंज ले रही हूँ, तो इसमें मेरे बालों में कितनी ग्रोथ होती है और किस तरीके से ग्रो करते हैं और बालों में कितनी शाइनिंग आती है वो सब मैं आपको दिखाऊँगी, तो आप वीडियो पूरी देखना। एंड आज फर्स्ट डे है तो मैंने बना लिया है, आप कैसे बनाए हैं वो आप वीडियो में देखिए। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट गेट स्टार्टेड। एक गिलास हमें पानी लेना है और 4 से 5 चम्मच हमें फ्लैक्सीड लेने हैं। इसको हमें गैस पे रख देना है और 1 या 2 बाल आने तक हमें इसे अच्छे से पका लेना है। इसको पका लेने के बाद हमें गरम गरम ही इसको छान लेना है, क्योंकि ठंडा होने के बाद ये जेल फॉर्म में बन जाता है, तो गरम गरम ही आपको इसको छान लेना है अच्छे तरीके से। आप देख सकते हैं मैंने एक से दूसरे इसमें ट्रांसफ़र कर लिया है। गाइस, जो मैंने ये जेल बनाया था ये अब नॉर्मल थोड़ा सा ठंडा हो गया, तो मैं ये कांच की बोतल में इसको रख रही हूँ। मेरे पास ये है, देख सकते हैं इसका टेक्सचर कैसा हो गया है। ये ठंडा होने के बाद और भी जेली सा हो जाएगा, तो मैंने ये इसमें रख दिया। आपको रेफ्रिजरेटर में इसको रखना है 7 डेज़ के लिए। मैं 7 डेज़ का चैलेंज ले रही हूँ, तो 7 डेज़ के लिए रखूँगी। ये इतना बना है और इसमें से मैंने 2 स्पून निकाल के रख दिया था, निकाल के रखा है ये और भी ठंडा होने के लिए। ये मैं अपने बालों में लगाऊंगी एंड इसको मैं लग देती हूँ रेफ्रिजरेटर में। आप ये सोच रहे होंगे ये किसका कंटेनर है, तो सेजवान चटनी का है। ये मैंने काफ़ी छुटाने की कोशिश करी बट ये छुटा नहीं, तो थोड़ा बहुत रह गया है, बट मैंने इसको काफ़ी बार 2-3 बार अच्छे से वॉश किया है उसके बाद इसमें रखा है। आपके पास कुछ और हो आप उसमें भी रख सकते हैं। सो इसको हमें रखना है अलग। एंड ये बची हुई फ्लैक्स सीड्स हैं, तो ये ठंडी हो गई है। ये दिखाती हूँ मैं आपको कितनी सी ये जेली सी बन गई है। इसको मेरा मास्क बना के अपने हेयर पे लगा सकते हैं, तो वो कैसे बनाना है वो मैं इस वीडियो के बाद बताऊँगी। मतलब इस वीडियो 7 डेज़ का चैलेंज कंप्लीट होने के बाद मैं आपको इसका मास्क कैसे बनाना है वो बनाऊँगी, तो इसको भी मैं रख दूँगी फ्रीज में। सो गाइज़, ये ठंडा हो गया है अभी, तो इसमें मैं डाल रही हूँ डॉक्टर रैशन का एलोवेरा जेल है, तो मैं ये ले लेती हूँ। ये मेरे को 1 टीस्पून ले रही हूँ मैं। ये ऑप्शन है, अगर आप डालना चाहो तो डाल सकते हो, अदरवाइज ये भी काफ़ी इफेक्टिव है फ्लैक्स सीड, तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। अभी आप देख सकते हैं हल्का हल्का ठंडा हो रहा है, तो ये जेल फॉर्म में बन गया है। मैंने इसमें एलोवेरा जेल डाल लिया है, आप ये देख सकते हैं किस तरह का इसका जेली फॉर्म में टेक्स्चर हो गया है, और इतना प्यारा लग रहा है ना। चलो इसको लगाते हैं अपने बालों में। अप्लाई करना है इसको, अच्छे से करना है और जेंटली थोड़ी सी मसाज करनी है, जैसे आप तेल लगाते हैं ऑयलिंग करते हैं। और आज है मंडे, तो आज मैंने स्टार्ट किया है बनाना। तो सेक्शन कर लेना अच्छे से, तो
आज के बाल मैंने आपको दिखाई दिए हैं, इसके बाद देखते हैं वॉश करने के बाद कैसे होते हैं। और मैं पानी से वॉश करने वाली हूँ बिकॉज मैंने कल ही हेयर वॉश किया है शैम्पू से, और 7 डेज़ के बीच में मतलब 3 दिन में मैं हेयर वॉश करती हूँ अपना, तो 2 दिन और मैं ऐसे ही लगाऊंगी और पानी से वॉश करूँगी, फिर 3rd डे मैं शैम्पू करूँगी। जिस तरीके से अभी मेरे बाल झड़े हैं ये, तो 7 डेज़ में भी यही झड़ते हैं या कुछ फ़र्क आता है? ये सिर्फ हाथ से ऐसे ही निकले हुए हैं, इनफैक्ट मेरी गिनती देख सकते हैं आप इस तरीके से मेरे बाल जाते हैं, तो 7 डेज़ में कोई फ़र्क पड़ता है या नहीं देखिए मेरे बालों की, इस तरीके से मेरे बाल झड़ जाते हैं हाथ से ही। तो आपको इसको वॉश कर लेना है, पानी से वॉश करना है और देखते हैं रिजल्ट मेरे कितने बाल झड़ते हैं। इससे पहले जब मैं आई थी आपके सामने तब मैंने हल्का सा बालों में कॉम किया था, तब भी मेरे बाल झड़े थे और अभी ये झड़े हैं। हेलो गाइस, तो मैंने हेयर वॉश कर लिया है, देख सकते हैं आप। अभी मैंने कॉम नहीं किया है, अभी जस्ट मैंने वॉश करके, अभी मुझे इतना पता नहीं चलेगा बट मैं सीरियसली बताऊँ, पहले ही वॉश में मुझे काफ़ी अच्छे लगा है बिकॉज मेरे जब मैं हेयर वॉश करती हूँ तो मेरे बहुत सारे मतलब इतने इतने बाल निकल जाते हैं पानी में ही, तो मेरा सिर्फ आज 1 या 2 बाल निकला है, वो भी सिर्फ मैंने पानी से वॉश किया है ये लगाने के बाद, जेल लगाने के बाद फ्लैक्सीड वाला। पानी से वॉश करने के बाद सिर्फ 1 या 2 बाल ही निकले हैं मेरे, और मुझे बाल भी ठीक लग रहे हैं अभी, ऐसा लग रहा है मैंने शैम्पू किया है जैसे। और शाइनिंग का अभी मैं रूम के अंदर कर रही हूँ, बट आप देखना बताना कि बालों में शाइनिंग आई है या नहीं आई है, मुझे तो लग रही है कि थोड़ी बहुत आई है। बाकी 7 डेज़ का चैलेंज है, और ये चैलेंज मैंने सिर्फ आपको वीडियो दिखाने के लिए नहीं लिया, मैंने अपने लिए भी लिया है क्योंकि बाल मेरे बहुत ज़्यादा ही टूट रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि मेरे बाल ना टूटे, और अगर मेरे को इससे कोई फ़ायदा होता तो मैं चाहूँगी कि आपको भी हो, सो इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। इस तरीके से आपको दिख रहे होंगे, और ये है मेरे बाल जो मेरे कॉम करने के बाद सूखने के बाद निकले हैं, और मैंने जब बाल वॉश किए थे तब मेरे 1 या 2 बाल ही निकले थे। हेलो गाइस, डे 2 में भी मैंने सेम प्रोसेस से फ्लैक्सीड जेल एंड एलोवेरा जेल को ले लिया है, एंड बालों में मैं उसको अच्छे से लगा लूँगी, ऊपर नीचे अंदर अच्छी तरीके से बालों में लगा के मालिश कर लूँगी। एंड गाइस, इसके फ़ायदे बताती हूँ मैं आपको, बहुत ही अच्छा माना जाता है फ्लैक्सीड बालों के लिए, बहुत ही यूज़फुल है फ्लैक्सीड, मोस्टली बालों को बढ़ाने के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें विटामिन ई और बी पाए जाते हैं जो बालों को लंबा और घना बनाने में मदद करते हैं। जैसे कि आप मेरे बालों में देख सकते हैं, अभी डे 2 ही हुआ है और मेरे बालों में शाइनिंग आ गई है, मेरे बाल काफ़ी कर्ली है तो डे 2 में ही मुझे थोड़े से स्ट्रेट दिख रहे हैं, और बालों की वॉल्यूम भी काफ़ी बढ़ गई है, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मैंने लगा लिया है, आज डे 3 है एंड आज है मेरा हेयर वॉश, मतलब मैं 2 दिन से पानी से वॉश कर रही थी, आज मैं करूँगी शैम्पू, कंडीशनर नहीं लगाऊंगी, शैम्पू लगाऊंगी, उसके बाद दिखाती हूँ मेरे धोने में कितने बाल झड़े, मतलब वो तो नहीं दिखाऊंगी लेकिन बताऊंगी आपको कि शैम्पू करने के बाद मेरे कितने बाल झड़े। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अलसी के अंदर विटामिन ई पाया जाता है, विटामिन बी पाया जाता है, तो विटामिन ई के अंदर एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो हमारे बालों को बहुत ज़्यादा ही मजबूत कर देते हैं, जिससे हमारे बाल टूटना बंद हो जाते हैं। और गाइस, अलसी के बीज जो होते हैं हम इसको डायरेक्टली खा भी सकते हैं, हम इसकी स्मूदी भी बना सकते हैं। तो मुझे जब मेरे बाल काफ़ी ज़्यादा झड़ रहे थे तो मेरे को डॉक्टर बत्रा के पास में गई थी, तो उन्होंने मेरे को रिकमेंड किया था कि अलसी आप खाइए, आप उसको भून के खा सकते हैं, तो मैंने ट्राई किया था, तो बट इसकी जो तासीर होती है थोड़ी सी गर्म होती है, तो इसलिए मैं उसको ज़्यादा कंटिन्यू नहीं कर पाई हूँ, बट मैं आगे उसको ट्राई करूँगी। बट डे 4 है और बाल देख सकते हैं इतने हैं, और कुछ ज़्यादा नहीं है ये, थोड़े हैं, बट इससे पहले मेरे इतने इतने बाल जाया करते थे, तो अभी फ़िलहाल मेरे इतने नहीं जा रहे हैं, अब बालों में थोड़ी सी वॉल्यूम भी आ गई है। एंड गाइज, आप वीडियो में देखेंगे जैसे जैसे डे बढ़ रहे हैं 7 डेज़ के चैलेंज में, तो आपको बालों में कुछ ना कुछ फ़र्क दिख रहा होगा, तो सीरियसली बताऊँ तो ये काम करता है, ये वर्क करता है, मेरे बालों में किया है वर्क, और इससे बाल झड़ना मेरे कम हुए हैं, 7 डेज़ मैंने रेगुलर किया है। बट क्या है कि रोज़ हम हेयर वॉश नहीं कर सकते, तो मैं इसको ट्राई करूँगी, बट डेली तो नहीं, बट वीक में मैं 2 बार इसको ट्राई करने वाली हूँ। एंड आप सोचेंगे कि बाल तो मतलब वैसे ही दिख रहे, कर्ली हेयर है, बट धीरे धीरे करके ही वो होंगे।
एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट गाइज, मैं भी आपको अपने बालों में स्ट्रेट करके दिखा सकती थी बट मैं नहीं दिखाना चाहती, जो नेचुरल है वही मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। जो रियल में वर्क करता है वो मैंने आपको बताया कि रियल में वर्क करता है, बट लोग दावा करते हैं एकदम स्ट्रेट हो जाते हैं, नहीं एकदम नहीं होते, धीरे धीरे हो सकते हैं लेकिन बाल टूटना डेफिनेटली इससे कम होते हैं। वीडियो अट्रैक्टिव बनाने के लिए मैं भी शायद वैसा कर देती बट वो फेक लगता, तो इसलिए मैं आपको रियल दिखा रही हूँ कि हाँ बाल मेरे टूटना बंद हुए हैं, बाल मेरे पहले से कम झड़े हैं और बाल अच्छे हुए हैं। जो है आप देखिए वीडियो में और मुझे बताना ज़रूर कि आपको कैसा लगा और आप ट्राई करेंगे या नहीं करेंगे ये भी बताना। आज शैम्पू डे, 7 डेज हो गए हैं और ये बाल आज मैं वॉश करने वाली हूँ और कैसा रिजल्ट आता है। 7 डेज में बहुत अच्छा रिजल्ट आया है मेरे बालों का, बाल बहुत कम झड़े हैं, अभी भी आप देख सकते हैं सिर्फ एक बाल निकला है, सिर्फ इतना सा, तो बालों में काफ़ी अच्छा रिजल्ट है इसका। अगर आप भी चाहते हैं तो आप भी इसको ट्राई कर सकते हैं। सो गाइज, आप देख सकते हैं फाइनल रिज़ल्ट कितना प्यारा आया है, मुझे सच में ये वाला हैक बहुत 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 ज़्यादा पसंद आया और ये सच में काम करता है। आप देख सकते हैं मेरे बाल कितने कर्ली है और एकदम स्ट्रेट तो नहीं हुए हैं बट हाँ थोड़े बहुत हो गए हैं और बालों में वॉल्यूम काफ़ी अच्छी आ गई है, शाइनिंग आप देख सकते हैं कितने प्यारे लग रहे हैं मेरे बाल। सो प्लीज़ आप भी इसको ट्राई कीजिए, डेफिनेटली आपके बालों में भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट आएगा जैसे कि मेरे बालों में आए, क्योंकि मेरे पहले बाल आपने देखे होंगे कितने ड्राई और कितने कर्ली और बहुत अजीब से हो गए थे, तो इसको ट्राई करने के बाद मेरे बाल काफ़ी अच्छे हुए हैं, मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं एंड मैं इसको वीक में 2 बार ज़रूर ट्राई करूँगी। ठीक है, किसी भी 2 दिन में इसको ट्राई करूँगी, मैं इसको छोड़ने वाली नहीं हूँ अब। और आप भी ट्राई कीजिए, अपने बालों का अच्छा बनाइए और ऐसे ही वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय गाइज़।